हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज वंस अगेन योर फिजियो गाइड डॉक्टर नीरज। आज इस वीडियो में हम ऐसे प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं जिन्होंने बीपीटी का कोर्स किया है और वो एमपीटी में किसी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं। जी हाँ, सो दोस्तों, आज का वीडियो उन सारे बीपीटी प्रोफेशनल्स के लिए है जो कि ये प्लान कर रहे हैं कि मुझे एमपीटी में किस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहिए। तो डे टू डे डेली कुछ न कुछ स्टूडेंट हमारे कांटेक्ट में आते हैं और उनको सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन होता है कि अगर हमें एमपीटी में ज्वाइन करना है तो किस ब्रांच को चूज किया जाए। ओके, तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं बिकॉज ऑलमोस्ट 9 to 10 ब्रांचेस अभी इंडिया में है इस फील्ड में, तो सिंगल वीडियो में मेरे साथ थोड़ा लेंदी हो जाए, तो इसको मैं पार्ट वन पार्ट टू में डिवाइड करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं सो दैट आपके लिए इजी हो कि किस ब्रांच में आपको चूज करना चाहिए इसको ज्वाइन करने के लिए। ओके गाइस, सो इन द फर्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन अबाउट द एमपीटी इन द ब्रांचेस ऑफ लाइक ऑर्थोपेडिक, स्पोर्ट्स इंजरी, न्यूरोलॉजी, मस्कुलोस्केलेटल साइंस, कार्डियोलॉजी। ओके, इन माय सेकंड पार्ट आई विल डील अबाउट द रिहैबिलिटेशन, पीडियाट्रिक्स, जेरियाट्रिक्स, ऑब्स गायनी एंड मैनुअल थेरेपी। सो आप ट्राई करें दोनों वीडियो को वॉच करने का, जिससे कि आप सारे ब्रांचेस को कंपेयर करें और आपके जो वन ऑफ द बेस्ट होगा उसको आप चूज कर सकें। ओके, सो पहला गाइस ये सवाल उठता है कि आप एमपीटी करना क्यों चाहते हैं, आपका गोल क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है। ओके, और इसको अच्छे इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं या बस जस्ट टू एड वन डिग्री एमपीटी आप कहीं से भी इसको करना चाहते हैं, तो किस ब्रांच में करना है इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट, योर एक्सपोजर इन द लेवल ऑफ बीपीटी। ओके, और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। सो मोस्टली बीपीटी में ऑलमोस्ट सेकेंड टू थर्ड ईयर से आपको पेशेंट डील करना स्टार्ट करना होता है, सो टोटली आपको ये देखना होगा कि आपने किस टाइप के पेशेंट को ज्यादा डील किया है। इट मे बी ऑर्थोपेडिक, इट मे बी स्पोर्ट्स इंजरी, इट मे बी इन द कंबाइंड सेंस ऑल्सो। उसके बाद आपको सबसे अच्छा किस फील्ड में काम करने को लगा है। ओके, तो जिसमें आपका मैक्सिमम फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसको ज्वाइन करना चाहिए जो कि उसमें आप बेस्ट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा, आपका जो फ्यूचर होगा वो भी एक सेट होगा, सिक्योर्ड होगा बिकॉज वो आपका इंटरेस्टिंग फील्ड है। साथ ही साथ जिनके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, उनको भी इसका डायरेक्टली बेनिफिट मिल पाएगा। ओके, क्योंकि चीजों को आप स्किलफुली सीखेंगे और देन इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो होगा वो सोसाइटी के मेंबर को मिलेगा। ओके गाइस, सो मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि आप ऐसे सेक्टर को चूज करें, उस सेक्टर का क्या स्कोप है, हम कहां तक काम कर सकते हैं, उसके बाद ही हम उस सेक्टर का फाइनल डिसीजन दें कि मुझे इस ब्रांच में एमबीटी करना चाहिए। ओके, सो फ्रेंड, सवाल ये भी उठता है कि हम एमबीटी क्यों करें। सो नेचुरली अगर हमें अपने फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो जितना बेस्ट क्वालिफिकेशन मिल सकता है उसके लिए ऑलवेज ट्राई करना चाहिए बिकॉज बीपीटी लेवल पे आपको स्पेशलाइज टेक्निक एक कम लेवल तक सीखते हैं, बट एमपीटी में जिस ब्रांच में आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उसमें उससे रिलेटेड कुछ एडवांस टेक्निक्स आपको सीखने को मिलता है। सो दैट हम ये सीखते हैं कि पेशेंट का अर्ली स्टेज में कंप्लीट रिकवरी कैसे पॉसिबल हो सकता है। सो ऑलवेज अगर फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं मुझे एकेडमिक्स में जाना है या अच्छे डिग्री को और लेना हमें है, सो सपोज आपने पीएचडी का प्लान किया, सो विदाउट एमपीटी आप पीएचडी ज्वाइन नहीं कर सकते। ओके, तो इस तरह से आपका एक कैरियर ब्लॉक हो रहा है सपोज आप फर्दर स्टडी करना चाह रहे हैं। सो इन दैट केस ऑल्सो एमपीटी इज कंपल्सरी टू परस्यू द डिग्री ऑफ पीएचडी ऑल्सो। ओके, सो एमपीटी में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं बिल्कुल फोकस होना चाहिए मुझे किस सेक्टर में एक बढ़िया काम करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें ब्रांचेस को चूज करना चाहिए। ओके, किसी को देख के नहीं, कुछ ने नीरो में लिया तो मैं नीरो में कर लूं, किसी को ऑर्थो में तो ऑर्थो में कर लूं। आपका पार्टिकुलर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस फील्ड में अच्छे से आप प्लान करके काम करना चाह रहे हैं। ओके, सो ऑलवेज फोकस ऑन दैट पॉइंट। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द एमपीटी इन ऑर्थोपेडिक। सो आइए देखते हैं कि ऑर्थोपेडिक में क्या क्या स्कोप हमारा होगा, क्या क्या पढ़ना है। ओके, और किस टाइप के पेशेंट को डील कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज द ब्रांच ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। सो ऑर्थोपेडिक में हम बहुत सारे कंडीशंस को डील करते हैं और फिजियो का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बेसिकली पेशेंट आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं, बट ऐसे बहुत सारे कंडीशन है जहां पे बिना फिजियो का उसका पेशेंट का रिकवरी फास्ट नहीं हो पाता है। ओके, विद इज अ केस ऑफ प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव,
हर फील्ड में एक फिजियो का रिक्वायरमेंट है। सपोज किसी का THR हो गया, दैट इज द टोटल हिप रिप्लेसमेंट, वहां पे फिजियो का इंपॉर्टेंट रोल है। किसी का TKR हुआ है, किसी का शोल्डर का सर्जरी हुआ है, किसी का स्पाइन की सर्जरी हुई है, ओके। सो मल्टीपल केसेस है जहां पे फिजियो के बिना उस पेशेंट का अर्ली रिहेबिलिटेशन या हम कह सकते हैं कंप्लीट रिहैब पॉसिबल नहीं है, ओके। सो एक इन दैट सेंस एक जो ऑर्थोपेडिक है, एक एक्सपर्ट फिजियो के बिना इनकम्प्लीट है इन द सेंस ऑफ रिकवरी ऑफ द पेशेंट। तो कुछ कॉमन कंडीशन है जहां पे फिजियो का एक इंपॉर्टेंस है, दैट इज द केस ऑफ सपोज स्पाइन के डिसऑर्डर है। सो मेनी पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम PIBD, साइटिका, लिस्थेसिस, लंबर कैनाल स्टेनोसिस, लो बैक पेन, ओके। इसके अलावा शोल्डर ज्वाइंट में सपोज आपके फ्रोजन शोल्डर है, बर्साइटिस है, सर्वाइकल स्पोंडाइटिस हो गए, टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, मेडिकल इंजुरी, लिगामेंटस इंजुरी, एंकल स्प्रेन, मसल्स इंजुरी या मसल्स के जो आपको डिसऑर्डर होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू डिसऑर्डर है। तो मल्टीपल केसेस है जहां पे एक फिजियो को अच्छे से काम करना होता है, और कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जहां पे ड्रग का टोटल रोल नहीं होता है। सो पेशेंट लंबे समय से ड्रग को लेते हैं, इंटेक करते हैं, बट फिर भी उनका जो रिकवरी होता है वो काफी लेट होता है। वहीं अगर टाइमली उनको एक फिजियो का सपोर्ट मिलता है तो उस केस में उनका जो रिहैब प्रोटोकॉल है वो काफी फास्ट मूव करता है, और जहां पेशेंट 6 मंथ में या 1 ईयर में रिकवर हो रहे थे, सो विद इन 1 या 2 मंथ उनका रिकवरी होना पॉसिबल हो पाता है। सो काफी अच्छा स्कोप है, ओके। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वाइड स्कोप है, और आपको प्लान करना है कि मुझे इस सेक्टर में स्पेशलाइज क्या सेंटर को बनाना है या उसके अकॉर्डिंग मुझे काम करना है। आप चाहें तो स्पेशलाइज आप स्पाइन का सेंटर ओपन कर सकते हैं, या फिर जो पैराप्लेजिया का उसका आप कर सकते हैं, फ्रैक्चर का या ज्वाइंट पेन का क्लिनिक को आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कॉमन डिसऑर्डर हो गए हैं ज्वाइंट पेन में, तो आप इनके लिए भी एक स्पेशलाइज यूनिट का वहां पे फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो काफी डिमांडिंग ब्रांच है इंडिया के लिए ये, और बड़े अच्छे से प्लान करके आप इसमें अच्छा करियर अपना सेट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज द मस्कुलोस्केलेटल, ये भी ऑलमोस्ट ऑर्थोपेडिक का ही ब्रांच एक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट में डिफरेंट नाम से आपको मिलते हैं जो इसके स्पेशलाइजेशन होते हैं। यहाँ बेसिकली ऑर्थोपेडिक के सारे कंडीशंस पढ़ने हैं, साथ ही साथ आपको जो सॉफ्ट टिश्यू डिसऑर्डर है उनको भी इंक्लूड किया जाता है, ओके। तो काफी अच्छा ब्रांच ये भी है, ऑलमोस्ट सेम है ऑर्थोपेडिक एंड दिस ब्रांच, बोथ आर इक्वली सेम, ओके। तो दोनों में से किसी को आप चूज कर सकते हैं। नाउ कम टू द ब्रांच ऑफ न्यूरोलॉजी, इसमें हम ऐसे पेशेंट को डील करते हैं जिनका कि जो नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, टेक द एग्जांपल ऑफ हेड इंजुरी, हेमिपेजिया, पार्किंसंस, सेरेब्रल पाल्सी, ओके, मायोपैथी। तो यहां भी आपने फाइंडिंग देखा होगा, जो बेसिक क्या होता है कि पेशेंट का जो कोऑर्डिनेशन है, बैलेंस है, वो अफेक्टेड हो गया है, ओके, उसका गेट पैटर्न अफेक्टेड है, मे बी पेशेंट आपका कंप्लीट बेड रिडन है, तो इनका रिकवरी कैसे किया जाए। तो अगर आपने प्लान किया है कि मैं स्पेशलाइज सेंटर में ऐसा कुछ डेवलप करूंगा या वर्क करूंगा ऐसे पेशेंट के लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करना होता है इन दिस सेक्टर ऑल्सो, और पेशेंट को अर्ली स्टेज में कैसे रिकवरी पॉसिबल है, बिकॉज अगेन यहां पे जो मेडिकेशन का रोल होता है जस्ट पेशेंट को स्टेबल करने के लिए, बट बेड से वापस उसको बिठाना, चलाना, नॉर्मल एम्बुलेंस अचीव करना, ये 100% आपका रोल एक फिजियो का ही होता है, ओके। सो काफी अच्छा आपको ये ब्रांच है, इसको करने के बाद मल्टीपल टाइप के पेशेंट मिलेंगे, और ये नॉर्मली हमें पेशेंट ऐसे मिलते भी है सोसाइटी में जो कि इस तरह के डिसऑर्डर सफर कर रहे हैं, ओके। तो काफी आपका करियर ओरिएंटेड ब्रांच है, यू कैन आल्सो ऑफ दिस ब्रांच आल्सो। नाउ कम टू द ब्रांच ऑफ स्पोर्ट्स इंजुरी, तो ऑर्थोपेडिक में और स्पोर्ट्स इंजुरी में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहां पे स्पोर्ट्स इंजुरी जो कॉमन होते हैं, सपोज आपको शिन स्प्रिंट हो गया, लिगामेंट इंजुरी है, एंकल स्प्रेन हो गया, टेनिस एल्बो है, गोल्फर्स एल्बो है, ओके, स्पेन स्ट्रेन है, तो यहां पे कैसे ऑन द ग्राउंड आप किसी भी एथलीट को या स्पोर्ट पर्सन को सपोर्ट कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। सो आपने बहुत सारे एग्जांपल देखा होगा, टेक द एग्जांपल ऑफ सचिन तेंदुलकर, जिनको की टेनिस एल्बो हुआ था, वहां भी कितनी बार फील्ड पे ऑन फील्ड जो फिजियो ने उनको ट्रीट किया था, ओके। तो नॉर्मली जितने भी आपके स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो चाहे आपके बैडमिंटन के हैं, क्रिकेट के हैं, हॉकी में है, फुटबॉल में है, या लॉन टेनिस में है, हर जगह पे कुछ से कुछ आपकी इंजुरी होती है ड्यू टू ओवर गेमिंग प्रोसेस, या ठीक से उनका अगर कंडीशनिंग मसल्स का नहीं हुआ है, सो दैट केस ऑल्सो उनकी इंजुरी होती रहती है। तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट उनका कंप्लीट असेसमेंट करता है और एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार करता है।
ओके जब स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी ओके करता है उसके बाद ही वापस पेशेंट को परमिशन है अपने अगेन गेम को रिज्यूम करने। स्पोर्ट फिजियो उसको कंप्लीट चेकअप करता है, सारे पैरामीटर को देखते हैं वो, इनका मसल्स का पेन अब है या नहीं, स्वेलिंग है या नहीं, ये सॉफ्ट टिश्यू का जो स्ट्रेंथ है वापस अचीव हुआ है कि नहीं, बॉडी कंप्लीट कंडीशनिंग स्टेज में आया कि नहीं आया है, उसके बाद ही वो उसको अलाउ करते हैं कि फर्दर आप गेम को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके तो कॉमन कंडीशंस तो वो डील करते ही हैं, और ऐसे स्पेशलाइज जो स्पोर्ट इंजरी के केसेस होते हैं वहां भी इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके सपोज किसी का मेनिस्कस डैमेज हो गया है, लिगामेंट डैमेज है, मसल्स का कुछ रप्चर हो गया है, तो कैसे इसको टैकल करना है। सो अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं कि डिफरेंट टीम में, या आज के टाइम में कुछ स्कूल कॉलेज है वहां भी स्पोर्ट फिजियो का एसोसिएट किया जाता है, ताकि जो भी उनके स्कूल कॉलेज के प्लेयर हैं वो अगर इंजर्ड हो रहे हैं तो उनको टाइमली उनका रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। तो अगर आपने प्लान किया है कि मुझे इस फील्ड में सेक्टर में काम करना है और काफी इस वर्क को एंजॉय करना है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ब्रांच है। ओके नाउ कम टू द ब्रांच ऑफ कार्डियोलॉजी। इस सेक्टर में उन सारे पेशेंट को डील करते हैं दोज आर सफरिंग फ्रॉम आदर हार्ट और लंग डिसऑर्डर। ओके चाहे उनका ऑपरेशन हुआ है या कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है, सो कैसे उसकी वाइटल कैपेसिटी को मेंटेन किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, सपोज दोज आर सफरिंग फ्रॉम सीओपीडी लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, या किसी का हार्ट का सर्जरी हुआ है या किसी का लंग का सर्जरी हुआ है। ओके तो इसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, उनका पोस्चर डिस्टर्ब हो गया है, उनका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो गया है, उनका जो ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं, या जो वाइटल कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो गया है, या उनके लंग्स में बहुत सारा म्यूकस का एक्युमुलेशन हो गया है, वो ठीक से ब्रीद आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पे अगेन मेडिकेशन के साथ साथ फिजियो का इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली इन केस ऑफ आरसीयू पेशेंट की रिकवरी में फिजियो का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। और इन द स्टेज ऑफ पैंडेमिक आपने देखा भी होगा कि कोविड पेशेंट में एक फिजियो कितना अच्छा रोल प्ले किया वहां पे, जैसे कि पेशेंट आपको L3 लेवल से L1 तक आ चुका है और उसकी रिकवरी फास्ट हो चुकी है, वो वापस सर्वाइव कर पाया। ओके तो इस केस में भी सारे पेशेंट को अगर आप डील करना चाहते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट रोल है यहां पे, कोई भी रिस्क या आपका लैक ऑफ स्किल पेशेंट को उसके लाइफ को डेंजर में डाल सकता है। तो बाकी सारे फील्ड में शायद आपके पास रेटेक का चांस मिलेगा, बट कार्डियो में नहीं मिलता आपको है। आपकी छोटी सी मिस्टेक से आईसीयू में पेशेंट का डेथ हो सकता है, सो बी केयरफुल। सो काफी आपको एक लायबिलिटी वाला ब्रांच है, और आप जो पेशेंट का लाइफ है आपके स्किल पर डिपेंडेंट है। तो ऐसा नहीं कि हमें कुछ नहीं आता है और हम आईसीयू में चले गए कि अरे कुछ से कुछ तो कर लेंगे, सो दिस इज नॉट सच टाइप ऑफ सेक्टर। यहाँ पे आप हाईली स्किल्ड हैं तभी काम करें, अदरवाइज किसी का लाइफ खराब हो सकता है। ओके सो अगर इन सारे इमरजेंसी केसेस को टैकल करने में आप इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट वेलकम, ये काफी अच्छा ब्रांच है और काफी डिमांडिंग ब्रांच भी है। ओके सो फ्रेंड्स होप सो कि आपको एक बेसिक आइडिया मिला होगा कि एमपीटी के इन ब्रांचेस में क्या क्या स्कोप है और किस तरह से वर्क कर सकते हैं और सोसाइटी के किस सेक्टर को हम बेनिफिट दे सकते हैं। ओके सो आज के फर्स्ट वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं, जो अदर ब्रांचेस है उसको मैं पार्ट टू में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो यू मस्ट वॉच द सेकेंड पार्ट ऑल्सो, सो दैट जितने भी ब्रांचेस हैं इंडिया में उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा, और ऑन दैट बेसिस आपके लिए इजी होगा कि मुझे किस ब्रांच को ऑफ करना चाहिए। ओके सो टिल देन टेक केयर, एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।